Welcome back, dear students. In geography, option by the online classes, and here we are discussing polity. Dear students, इसमें हम संसद के बारे में चर्चा कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत पिछले वीडियो में हमने संसदीय समितियों को शुरू किया और उसके अंतर्गत हमने देखा कि संसदीय समितियां कौन सी होती हैं, किन्हें हम कहते हैं संसदीय समिति, और साथ ही साथ हमने ये देखा कि कौन कौन से मतलब टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं जिसके आधार पर किसी एक समिति को हम एक संसदीय समिति कह सकेंगे, और उसके जो सदस्य इत्यादि होते हैं वो कौन से होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा सा देखा था। उसके बाद हमने संसदीय समितियों का वर्गीकरण किया था और वर्गीकरण हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया था। एक हमने कहा था स्टैंडिंग कमेटी और दूसरा हमने कहा था एडहॉक कमेटी। तो स्टैंडिंग कमेटी जो था उसके बारे में हमने देखा कि एक वर्ष के लिए गठन होता है तो इस रूप में अस्थायी होती है, और हमने कहा कि जो स्टैंडिंग कमेटी है इसके और भी कई हैं, मतलब एग्जाम्पल में कई इसके प्रकारों में इसको वर्गीकृत किया गया है, तो वो जो है उसको हम बाद में देखेंगे। और जो एडहॉक कमेटी की बात थी उसमें हमने देखा कि टू टाइप्स में थे, वो एक सेलेक्ट कमेटी था, दूसरा आपका स्पेशल कमेटी था। तो उन दोनों को हमने देखा, थोड़ी सी उनकी डेफिनेशन देख ली और बस वहीं तक उतना काम था, उतना ही उनका काम था, क्योंकि हमने देखा वहाँ पर कि जो एडहॉक कमेटियाँ होती हैं उनका गठन सिर्फ इसी आधार पर किया था कि कोई कार्य है उनको उस कार्य को सौंपा जाए, और जैसे ही कार्य समाप्त हो जाता है वो कमेटियाँ भी समाप्त हो जाती हैं, ठीक है। तो समितियाँ तभी तक रहती हैं जब तक उनका कार्य रहता है, तो वो अलग एक तरीका था उनका, एक अलग प्रकार के थे तदर्थ समिति, और जो अस्थायी समितियाँ होती हैं इनको एक साल के लिए लगभग यहाँ पे चुना जाता बनाया जाता है। आज का जो हमारा वीडियो है इसमें हम अस्थायी समितियों के बारे में चर्चा करेंगे, और अस्थायी समितियों में भी हम सारे समितियों को देखेंगे कि कौन कौन सी समितियाँ इसमें हैं, मतलब आपको बता दिया जाएगा कि कौन कौन सी समितियाँ अस्थायी समितियाँ में आती हैं, लेकिन सब पे हम डिटेल में चर्चा नहीं करेंगे। चर्चा हम कुछ गिने चुने समितियों पर करेंगे जो थोड़ा से ज़्यादा एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और आने की संभावना जिनकी है, तो उन पर हम थोड़ा डिटेल में चर्चा करेंगे। अब बाकी जो भी समितियाँ बचेंगी उनके बारे में थोड़ा हम जानकारी ले लेंगे कि कितने सदस्य हैं, क्या है, किस बारे में है, इसके बाद थोड़ा सा हम चर्चा कर लेंगे, ठीक है। लेकिन कुछ समितियाँ ऐसे जैसे कि लोक लेखा समिति क्या है, प्राकलन समिति क्या है, तो इनके बारे में थोड़ा सा एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन आ जाते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा हम डिटेल में जानकारी ले लेंगे, ठीक है। ओके, तो आज हम शुरू करेंगे आपकी अस्थायी समितियों के बारे में, सारी समितियाँ हम देखेंगे अस्थायी समितियाँ। तो सबसे पहले ध्यान रखेंगे इन्हें छह प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। कौन कौन से छह प्रकार हैं? वित्त समितियाँ हैं, विभागीय अस्थायी समितियाँ हैं, जांच समितियाँ हैं, परीक्षण एवं नियंत्रण समितियाँ हैं, और फिर सदन के दैनिक कार्यों से संबंधित समितियाँ हैं, और साथ ही साथ सेवा समितियाँ हैं। तो ये छह समितियों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे और इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट हैं जिनको हम अलग से देखेंगे, ठीक है। तो आइए चर्चा करते हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करें अगर तो जो होती हैं जो वित्त से संबंधित समितियाँ होती हैं वो कौन कौन सी हैं, तो तीन समितियाँ आपकी ऐसी हैं जो वित्त से संबंधित हैं, जैसे कि लोक लेखा समिति, प्राकलन समिति, सार्वजनिक उद्यम की समिति, और ये तीनों ही समितियाँ बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसको हम तीनों को हम अलग से डिटेल में इन पर चर्चा करेंगे और इनसे क्वेश्चंस लगातार आए हैं, आने की संभावना बनी भी रहेगी, ठीक है। तो इसको हम तीनों को अलग से डिटेल में चर्चा करेंगे। विभागीय समितियाँ देखिए कोई बहुत इसमें चर्चा करने वाली बात नहीं है, थोड़ा सा जब आपका पहला मतलब कि वित्तीय समितियाँ जब खत्म होंगे तो विभागीय समितियों पे थोड़ा सा चर्चा कर लेंगे, लगभग 24 में समितियाँ मतलब पाई जाती हैं, तो थोड़ा सा इस पर चर्चा हम कर लेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप इसे ना समझें, फिर भी देख लिया जाएगा। अब जहाँ तक बात करें हम जांच समितियों की बात करें तो इनको भी तीन प्रकार में बांटा जाता है, जैसे कि याचिका या आवेदन समिति, विशेषाधिकार समिति, आचार समिति। अब देखिए अब ये जो तीन जो आपकी जाँच समितियाँ हैं ना इन पर हमें बहुत कुछ ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बहुत कुछ ज़्यादा जानने की आवश्यकता नहीं है। हाँ थोड़ा सा ये जान लें कि कितने सदस्य होते हैं, क्या काम होता है इनका, बस इतना हम एक ओरली जान लेते हैं कि क्या होता है। तो जैसे देखिए पहला जो आपका है जांच समितियों के अंतर्गत याचिका या फिर आवेदन समिति, देखिए जैसा कि नाम से ही क्लियर है कि याचिका या फिर आवेदन समिति एक ऐसी समिति जो किसी जनहित की याचिका या फिर आवेदन इत्यादि पर क्या करती है, मतलब स्टडी करती है, विचार करती है, ठीक है, और उससे संबंधित अपने फैसले इत्यादि देते हैं, ठीक है, मतलब प्रस्ताव इत्यादि, सुझाव इत्यादि फिर देती है, तो वही समिति अभी कहलाती है याचिका समिति या फिर आवेदन समिति। देखिए आपको नीचे यहाँ पे 15:10 लिखा हुआ, तो इसका मतलब देखिए ये है कि लोकसभा में 15 सदस्य होते हैं, ठीक है, जो लोकसभा में या ये समिति बनाई जाती है, लोकसभा में अलग बनाई जाएगी और राज्यसभा में अलग बनाई जाएगी, तो लोकसभा वाले में 15 सदस्य होते हैं और राज्यसभा वाले में 10 सदस्य होते हैं, ठीक है, तो अपना 15 सदस्य और 10 सदस्य। तो इस तरह से क्वेश्चन अगर आए कि कितने सदस्य किसमें हैं तो आप इस तरह से ध्यान रखेंगे इसे, और कुछ इसमें याचिका समिति में जानने की जरूरत नहीं है। आइए बात करते हैं विशेषाधिकार समिति। देखिए विशेषाधिकार शब्द से ही बिल्कुल क्लियर है कि क्या मतलब इसका हो सकता है। आपने जाना है कि संसद के कुछ विशेषाधिकार होते हैं, संसद के जो सदस्य हैं उनके कुछ विशेषाधिकार होते हैं, ठीक है, तो
ये जो समिति बनती है ये संसद के विशेषाधिकार और संसद के जो सदस्य हैं उनके विशेषाधिकारों से संबंधित जो बातें हैं उन पर विचार करती है, जांच करती है। मान लीजिए कहीं विशेषाधिकार का हनन तो नहीं हो गया, ठीक है, तो इस प्रकार की चीज़ों को ये डील करती है विशेषाधिकार से संबंधित। ठीक है, 15 सदस्य इसमें भी लोकसभा से होते हैं और राज्यसभा में इसके 10 सदस्य होते हैं। तो 15 सदस्यों की समिति बनाई जाती है लोकसभा में अलग, राज्यसभा में आपकी 10 सदस्यों की समिति बनाई जाती है। ठीक है, तो विचार समिति ये, विशेषाधिकार समिति ये हो गई। आचार समिति की बात करें हम अगर, तो आचार समिति भी देखिए जैसा कि शब्द से ही क्लियर है कि दुराचार के मामलों की बात। देखिए अगर किसी प्रकार की जो संसद के सदस्य हैं, ठीक है, उनका जो आचार संहिता है कि ठीक है आपको इस तरह से कार्य करना है, तो अगर वो कोई किसी दुराचार इत्यादि में अगर फंसते हैं या फिर किसी तरह का अगर मतलब का इस तरह के कार्य में लिप्त रहते हैं, तो फिर उनकी जांच इत्यादि करने का जो है कार्य आपके आचार समिति का होगा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे तीनों समितियाँ अपनी जाँच करती हैं, पहला आपकी जो याचिका या फिर आवेदन समिति, और किसी आवेदन जनहित की विषय पर अगर कोई आवेदन किया गया, कोई याचिका दायर की गई, तो उस पर वो जाँच मतलब जांच करती है अपनी, फिर देखती है कि अगर केसेस कैसे हैं उसमें, फिर अपना जो प्रतिवेदन होता है वो देती है। और जो सदस्यों की संख्या होती है 15 लोकसभा में होते हैं, 10 आपके राज्यसभा में होते हैं। विशेषाधिकार समिति के बारे में हमने देखा कि जो संसद और साथ ही साथ इसके सदस्यों का जो विशेषाधिकार है उसके बारे में हमने देखा कि अगर हनन इत्यादि होता है तो उसके संबंध में जाँच करने का जो कार्य है वो आपके विशेषाधिकार समिति को है। उसी प्रकार से आचार समिति की बात की हमने कि आचार संहिता का पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है, कहीं दुराचार तो नहीं हो रहा है, इस तरह की जांच करने का अधिकार आपके आचार संहिता समिति को। तो ये हमने देख लिया, तीन हमने देख लिए, आइए चौथे पे चलते हैं। जो हम छोड़ रहे हैं अभी, पहला आपको छोड़ा गया, दूसरा छोड़ा गया, तो इनको हम अलग से डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसे आप ध्यान रखेंगे। आइए बात करते हैं चौथे पे, परीक्षण एवं नियंत्रण समितियाँ। एक मतलब चौथा जो पार्ट आपका मेन, उसमें हम करेंगे परीक्षण एवं नियंत्रण समितियाँ। समितियाँ ऐसी जो परीक्षण और नियंत्रण का कार्य करती हैं करते हैं। सरकारी आश्वासन समिति। अच्छा, सरकारी आश्वासन समिति, देखिए आपको लग रहा हो भले ये नया एक शब्द है लेकिन आप सभी से परिचित हैं। पूछे कैसे, देखिए पूछ तो नहीं पाएंगे आप। दरअसल बात क्या है कि आप देखते हैं जब भी कोई देश में हमारे कहीं पे भी अगर कोई आंदोलन होने लगता है, ठीक है, कोई मतलब छात्र इत्यादि या फिर कोई भी जनता मतलब जनता इत्यादि अगर कहीं से भी किसी मुद्दे को लेकर के सरकार की घेराबंदी करने के लिए सड़कों पर उतर आते हैं, भूख हड़ताल कर देते हैं, अनशन कर देते हैं, तो फिर क्या होता है कि सरकार जाती है, ठीक है, सरकार जाती है विभिन्न प्रकार के, फिर उनकी मांग जो होती है उनकी मांगों को माना जाता है, तो उनको आश्वासन दिया जाता है। ठीक है, उसी प्रकार से जो मंत्री इत्यादि आपको जब सदन में किसी बात का आश्वासन देते हैं ना कि ये ठीक है हम ये काम करेंगे, ये कार्य इस प्रकार से होगा, तो आश्वासन जो देते हैं मंत्री इत्यादि सदन में, ये समिति जो होती है सरकारी आश्वासन समिति, ये उनका जांच या मतलब क्रिया जांच करती है कि जो आश्वासन दिया गया ठीक दिया गया है, सही दिया गया या नहीं दिया गया है, इसकी कार्य इसका क्रियान्वयन किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, इससे संबंधित जो जांच हो वो आपकी सरकारी आश्वासन समिति करती है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा कोई इसमें टेक्निकल बात नहीं है, उसमें जांच करेगी फिर इसमें मतलब उसका अपना विचार सुझाव इत्यादि फिर देगी। ठीक है, तो अब बात करते हैं अपने अधीनस्थ विधायन समिति। देखिए इसमें 15 आपके लोकसभा के सदस्य होते हैं, 15 आपके राज्यसभा में होते हैं सदस्य। नियमावली बनाने मतलब जो नियम इत्यादि बनाए जा रहे हैं संसद का, जो सदन है सदन के जो विभिन्न नियम इत्यादि हैं, ठीक है, उन नियमों का सही तरीके से प्रयोग हो रहा है या नहीं हो रहा है, शक्तियों का सही तरीके से प्रयोग हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस तरह की चीज़ों का जो है ध्यान रखती है आपकी अधीनस्थ विधायन समिति। ठीक है, तो 15 सदस्य मतलब 15 सदस्य आपके राज्यसभा में होते हैं, 15 सदस्य आपके लोकसभा में होते हैं, तो इस तरह से आप देख लेंगे इसको। आइए नेक्स्ट में मूव करते हैं, तो विचारार्थ विषयों के लिए समितियाँ। 15 सदस्य आपके लोकसभा में होते हैं, 10 सदस्य आपके राज्यसभा में होते हैं। बस वही बात है कि ऐसी समितियाँ जो विभिन्न प्रकार जो आपके विषय इत्यादि जो विधेयक इत्यादि कुछ भी अगर हैं तो उन पे विचार किया जाता है कि ये नियम अनुरूप हैं या नहीं, या फिर नियम इनमें नियम का पालन नहीं किया गया है, इस तरह की चीज़ें जो होती हैं वो चर्चा की जाती है उसमें, तो उसका जाँच ये करती है आपके विचारार्थ विषयों के लिए समितियाँ जो बनाई जाती हैं, वो इन विषयों पर चर्चा करती हैं, अध्ययन करती हैं, फिर अपने प्रतिवेदन देती हैं। ठीक है, सब चीज़ों को बता दिया जा रहा है, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे इसे ओरली, बहुत ज़्यादा इसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है आपको। अनुसूचित जाति तथा जनजाति कल्याण समिति। देखिए एक ऐसी समिति होती है जो संयुक्त समिति होती है, देखिए प्लस यहाँ पे लगा, इसका मतलब कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों को मिलाकर के बनाई जाती है, तो 20 सदस्य इसमें लोकसभा से आएंगे, 10 सदस्य इसमें राज्यसभा से आएंगे, मतलब टोटल 30 मेंबर्स होते हैं इस समिति के। ठीक है, तो अनुसूचित जाति तथा जनजाति कल्याण समिति जो होती है ये आपके इसमें 30 सदस्य होते हैं, 30 सदस्य में से 20 सदस्य आपके लोकसभा से, 10 सदस्य आपके राज्यसभा से। इसमें ये ध्यान देने योग्य बात है कि जो ये समिति होती है करती क्या है
कि जो आपका अनुसूचित जाति आयोग है, जो अनुसूचित जनजाति आयोग है, ठीक है, जो विभिन्न प्रकार के कल्याणकारी कार्यक्रम इनसे संबंधित चलाए जा रहे हैं, ठीक है, विभिन्न प्रकार के। तो अगर कुछ अनुसूचित जाति आयोग अगर कुछ कहता है, किसी बात पे विचार करने के लिए कहता है कि इस पे विचार किया जाए, ठीक है, तो उन सब कार्य जो है ये संभालती हैं समितियाँ, ठीक है। स्पेसिफाइड तरीके से समितियाँ केवल अनुसूचित जाति जनजाति के कल्याण इत्यादि से संबंधित जो बातें हैं उन पर विचार करती हैं, ठीक है, उनके सुरक्षा इत्यादि से संबंधित बातों को मतलब उन पर गौर करती हैं, उन पर विचार करती हैं और उन पर अपने सुझाव देती हैं फिर, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे इसे। स्त्री सशक्तिकरण समिति की बात करें तो इसमें भी 30 सदस्य होते हैं, 20 आपके लोकसभा से, 10 आपके राज्यसभा से, ठीक है। तो टोटल 30 मेंबर्स इसके भी होते हैं। जैसा कि आपने देखा महिला सशक्तिकरण या फिर स्त्री सशक्तिकरण की बात करें इसमें, तो इसमें सीधी सी बात यही है कि जो राष्ट्रीय महिला आयोग आपका है, अगर वो किसी भी मुद्दे पर विचार करने के लिए कहता है, ठीक है, तो उस मुद्दे पर विचार किया जाता है, चाहे वो जाहिर सी बात है राष्ट्रीय महिला आयोग है तो महिलाओं से संबंधित ही कोई मुद्दा होगा, ठीक है। तो महिलाओं से संबंधित कोई बातें हैं तो उस पर विचार करने के लिए ये समिति का कार्य करती है, ठीक है। महिलाओं से संबंधित जो आपकी असमानता इत्यादि से भरे जो कदम होते हैं उनको उठाने का कार्य समिति करती है, मतलब इनका जाँच करती है समिति, फिर अपने सुझाव अपने प्रतिवेदन फिर ये समिति सौंपती है, ठीक है। शब्द से क्लियर है। लाभ पद से संबंधित समिति, जाहिर सी बात है कि आपको लाभ का पद बताया गया है कि क्या होता है। 10 सदस्य इसमें देखिए होंगे आपके लोकसभा के, 5 सदस्य इसमें होंगे राज्यसभा के, एक संयुक्त समिति होगी ये, ठीक है। सदस्य योग्य हैं या अयोग्य हैं इसकी चर्चा मतलब जांच करती है, मतलब सीधा सा ये है कि जो लाभ का पद अधिनियम है उसके माध्यम से ये समिति जांच करती है कोई भी सदस्य संसद का सदन का कोई सदस्य क्या अपने पद पे बने रहने के लिए योग्य है या नहीं है, इस तरह के जो मतलब जांच इत्यादि है उसका कार्य आपका ये समिति करती है, जो कि लाभ के पद से संबंधित समिति होती है, ठीक है। तो इसे देख लेंगे। तो जो चौथा आपका उसमें परीक्षण एवं नियंत्रण समिति है, इसमें हमने सरकारी आश्वासन समिति, अधीनस्थ विधान समिति, विचारार्थ विषयों के लिए समिति, अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण समिति, स्त्री सशक्तिकरण समिति, लाभ पद के से संबंधित समिति, इन पर चर्चा की हमने। 6 प्रकार के थे इसमें, तो इसको चूंकि अलग से लिखने की कोई जरूरत नहीं है इसमें, इसलिए हमने थोड़े थोड़े पॉइंट्स करके आपके कितने सदस्य होते हैं, किन का क्या कार्य होता है, उनको इस तरह से आपके सामने हाईलाइट कर दिया, ठीक है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। ये तो परेशान कर देता है। सदन के दैनिक कार्यों से संबंधित समितियां, कुछ समितियां ऐसी है जो सदन के दैनिक कार्यों से संबंधित होती हैं। कार्य सलाहकार समिति देखिए, 15 सदस्य में लोकसभा में 15 सदस्य होते हैं, 10 सदस्य आपके राज्यसभा में होते हैं, इन पर हम थोड़ा सा अलग से चर्चा करेंगे, ठीक, थोड़ा सा देख लेंगे कार्य सलाहकार समिति क्या होती है। और विधेयक एवं संकल्प के लिए गठित समिति केवल और केवल लोकसभा में मतलब ये समिति बनाई जाती है, अब 15 सदस्य इसमें होते हैं, ध्यान रखेंगे, जो कि जो विधेयक और जो संकल्प इत्यादि लेकर आए जाते हैं, ठीक है। तो उनमें अब देखेंगे कि मतलब चर्चा इत्यादि करने के लिए, ठीक है, विभिन्न प्रकार के क्या विधेयक है उस पर चर्चा करने के लिए समय इत्यादि निर्धारित करने का जो कार्य है, ठीक है। इस प्रकार से ये समिति क्या करती है, इन सब चीज़ों को ध्यान रखती है कि कैसे जो विधेयक आया है या फिर जो संकल्प आया है उस पर चर्चा कैसे की जाए, ठीक है, क्या विभिन्न उसके प्रावधान इत्यादि उसको कैसे देखा जाए, उस पर कैसे स्टडी किया जाए, तो उसका समय इत्यादि निर्धारित करने के लिए ये आपका कार्य करती है विधेयक एवं संकल्प के लिए गठित समिति। मतलब ये समिति का यही कार्य है कि आप जो विधेयक इत्यादि आ रहे हैं, जो संकल्प इत्यादि आ रहे हैं, तो उनमें चर्चा इत्यादि करने के लिए जो समय है उसको कैसे निर्धारित किया जाए, किस समय चर्चा इत्यादि की जाए, तो उसके लिए आपकी ये समिति कार्य करती है। 15 सदस्य होते हैं इसमें लोकसभा में, लोकसभा में ही केवल होती है। नेक्स्ट की बात करें तो विनियम समिति की बात करें, देखिए विनियम समिति में बात करें तो 15 सदस्य आपके होते हैं, ध्यान रखें, लोकसभा में, और जो इनका अध्यक्ष होता है विनियम समिति का, इसका अध्यक्ष जो होता है स्पीकर, ठीक है, स्पीकर आपका अध्यक्ष इसका, एक मिनट चलिए, तो फिर हम कह रहे थे कि इसका अध्यक्ष जो होता है आपका स्पीकर होता है, 15 सदस्यीय समिति आपकी होती है। और दूसरा जो आप देखेंगे राज्यसभा में, तो इसमें 16 सदस्य होते हैं राज्यसभा में, और इसका जो ये समिति जो राज्यसभा में बनेगी इसके अध्यक्ष जो होंगे वो आपके सभापति होंगे, ठीक है। और जो इसका जो मेन कार्य होता है, जो विनियम समिति है इसका जो मेन कार्य होता है वो जो संसद है मतलब जो सदन है उसके जो विभिन्न प्रकार के जो कार्य हैं, कार्य पद्धति है, ठीक, कैसे उनका क्रियान्वयन करना है, कैसे संचालन करना है कार्यों का, उन नियमों इत्यादि पर ये गौर करती है, ठीक है, मतलब कि कैसे कार्य संचालन किया जाएगा सदन का, उस पर ये गौर करती है, उस पर ये काम करती है। और जो लोकसभा में 15 सदस्यीय आपकी समिति ये होती है विनियम समिति, इसका अध्यक्ष जो का होता है आपका स्पीकर होता है, और जो राज्यसभा में ये समिति होती है 16 सदस्यीय, उसका अध्यक्ष जो आपका होता है वो सभापति होता है, ठीक है, दोनों देख लेंगे आप। आइए और बात करें तो बैठक से अनुपस्थित सदस्यों के लिए समिति, ऐसी समिति जो
मतलब कार्य करती है, ध्यान रखती है ऐसे सदस्यों के लिए जो बैठक से क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। तो ध्यान रखेंगे आपकी बैठकों से गायब अगर आप हैं तो ये आपके बैठक से अनुपस्थित समिति जो है इसके सामने आप जांच के लिए प्रस्तुत हो सकते हैं, मतलब कि जांच का कार्य जो है ये समिति करती है। केवल लोकसभा में है 15 सदस्यीय समिति होगी है और राज्यसभा में इसका कोई प्रावधान ऐसा सच नहीं है। तो बिना अनुमति के भी अगर आप 60 दिन मतलब इत्यादि से ज़्यादा समय तक अगर आप बाहर रहते हैं, बैठक में भाग नहीं लेते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके जो आपकी जो सदन की सदस्यता है उस पर भी प्रश्न चिन्ह लग जाता है और वो खत्म हो सकती है। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ों को जो ध्यान रखने का जो कार्य है वो आपका करती है बैठक से अनुपस्थित सदस्यों के लिए जो बनी समिति है वो करती है। ठीक है, छठे की बात करें तो सेवा समितियाँ या सदन समितियाँ, नाम से ही बिल्कुल क्लियर है क्या मतलब है। सामान्य प्रयोजन समिति, देखिए सामान्य प्रयोजन समिति क्या है इसको थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे कि क्या होती है समितियाँ, इस पर थोड़ा सा हम देखेंगे अलग से। और उसके बाद हम देखेंगे जो दूसरा आपका है आवास सदन समितियाँ, इन समितियों के बारे में चर्चा करें तो 12 सदस्य इसके लोकसभा से होते हैं। ठीक है, और इसमें ध्यान रखेंगे आप कि ये समिति है ये आवास, भोजन, चिकित्सा, जो होटल इत्यादि में रुकने की व्यवस्था इत्यादि होती है माननीय लोगों की, उनकी सुविधाओं का ध्यान रखती है ये समिति। और पुस्तकालय समिति है जिसमें कि 6 लोकसभा से और राज्यसभा से 3 ये सदस्य होते हैं, इसमें कंबाइंड होती है समिति, ये संयुक्त समिति होती है। पुस्तकालय का लाभ देती है, मतलब विभिन्न प्रकार के मतलब कौन पुस्तकालय में आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं, या फिर जो उसका लाभ है किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा, तो उस तरह की चीज़ों को डील करने का कार्य जो है आपको ये करती है पुस्तकालय समिति। वेतन भत्तों के लिए संयुक्त समिति भी है जो इसमें 10 सदस्य आपके लोकसभा के और 5 सदस्य आपके राज्यसभा के हैं, तो वेतन किसका कितना है निर्धारित करने इत्यादि का कार्य जो करने वाला समिति है वो आपकी वेतन भत्तों से संबंधित समिति है। ठीक, जो हमने नहीं बताया मतलब कि सामान्य प्रयोजन समिति, कार्य सलाहकार समिति और ऊपर जो आपका पहला वाला था जिसमें हमने वित्त समितियों की बात की थी और साथ साथ विभागीय समितियाँ जो थी इन पर थोड़ा सा हम अलग से चर्चा कर लेंगे। ठीक है, चलिए आइए। तो ये हमने एक ब्रीफ में देख लिया कि क्या क्या हैं समितियाँ, स्थायी समितियाँ कौन कौन सी हैं, कितने प्रकार की हैं। अब कुछ जो बहुत ज़्यादा कम इंपॉर्टेंट थी उनको हम थोड़ा सा ऐसे ही ओरली कुछ पॉइंटर्स के माध्यम से देख लिया हमने, उसे समझ लिया उसे। अब हम बात करेंगे आज की जो एक समिति के बारे में चर्चा कर लेते हैं आज, जिसमें हमें लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट कमेटी, ये इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान से समझ लें क्या क्या है। कुछ फैक्चुअल जानकारियाँ हैं उसमें और कुछ समझने वाली बात नहीं है सच। ये बात करते हैं, देखिए इसमें जो है जो कुल 22 सदस्य होते हैं, ठीक है, तो कुल 22 सदस्य होते हैं, एक कंबाइंड होती है, संयुक्त समिति होती है, 15 लोकसभा से होते हैं और 7 आपके राज्यसभा से होते हैं। तो एक आपके पास फैक्ट ये है कि 22 सदस्य होते हैं लोकसभा लेखा समिति में, इसे आप ध्यान से याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है। इनका चुनाव जो है एकल हस्तांतरणी मत के द्वारा होता है, इसके बारे में पहले बताया जा चुका आपको। इसके सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है, ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक है, 1 वर्ष के लिए, क्योंकि अस्थायी समिति है तो 1 वर्ष के लिए जाहिर सी बात है कार्यकाल होना ही चाहिए। इस समिति में किसी मंत्री का निर्वाचन नहीं हो सकता, ये भी ध्यान रखें, कोई भी मंत्री आपके लोक लेखा समिति का सदस्य नहीं हो सकता। जैसे हमारे क्वेश्चन आपको दे दिया जाएगा कि लोक लेखा समिति से संबंधित विभिन्न कथनों पर कथनों की जाँच करें कौन सा सही है, ठीक है, तो उसमें एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि इस समिति का सदस्य एक मंत्री भी बन सकता है, तो आप उसमें कंफ्यूज जाएंगे भाई क्यों नहीं बनेंगे मंत्री, लोक लेखा समिति पब्लिक अकाउंट का जिम्मेदारी देख रही है, तो जरूर कोई मंत्री जो सरकार का एक सदस्य है वो क्यों नहीं बन सकता है, ठीक है, लेकिन वहाँ पे आप कंफ्यूज जाएंगे तो फिर समस्या हो जाएगी, आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर ध्यान रखेंगे आप कि इस समिति का सदस्य कोई भी मंत्री नहीं बन सकता है, ठीक है। समिति का अध्यक्ष विपक्षी दल का होता है, ध्यान रखेंगे जो समिति का अध्यक्ष होता है विपक्षी दल का कोई सदस्य होगा, और ये परंपरा अनुसार है, ऐसा कहीं वर्णित नहीं है, तो 1967 से परंपरा लागू है और चल रही है, तो 1967 से लगातार ऐसा समय मतलब रहा है कि जो लोक लेखा समिति है उसका जो अध्यक्ष रहा है वो विपक्षी दल का कोई रहा सदस्य रहा हो, ठीक है। इसका प्रमुख जो कार्य होता है वो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो CAG होता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की, वार्षिक प्रतिवेदनों की जाँच करना। देखिए क्या होता है कि जो आपके CAG होते हैं, अभी आपने इसे पढ़ा नहीं है, बस जल्दी आप इसे पढ़ने वाले हैं, तो ये क्या करते हैं कि जो मतलब वित्त संबंधी जो आपके विभिन्न कार्य होते हैं, ठीक है, चाहे वो आपके सरकार के संबंध वित्त संबंधित हो, चाहे वो सार्वजनिक कंपनी इत्यादि से संबंधित वित्त के कार्य हो, इन कार्यों का ये क्या करता है पूरा 1 साल में क्या करेंगे, ये पूरा लेखा जोखा रखेंगे, ठीक है, और उसको फिर ले जा करके आपके इस समिति को प्रदान कर देते हैं, ठीक है, और इस समिति के पास पहुँचता है वो, तो फिर उसके बाद ये समिति उस पर जाँच करती कहीं अनियमितता तो नहीं हुई, इसीलिए आप देखेंगे CAG की रिपोर्ट को भी आधार बना करके विपक्ष जो होता है वो सत्ता पक्ष पर हमला कर देता है कि देखिए CAG ने ये कहा, आपने कैसे सरकार चलाया, कैसे आपने योजनाओं का क्रियान्वयन किया, इतना ज़्यादा योजनाओं में पैसा इतना ज़्यादा गया और काम कुछ नहीं हुआ, तो इस तरह से CAG का रिपोर्ट जो होता है बहुत ऑथेंटिक माना जाता है, तो उस पर जो जांच करने का कार्य मतलब जो प्रावधान विभिन्न बातें CAG द्वारा कही गई हैं उन पर जाँच करने का
उन पे अपने मत प्रतिवेदन देने का सुझाव देने का जो अधिकार होता है वो आपके पास आपके लोक लेखा समिति के पास होता है। तो फिर मुख्य कार्य होता है लोक लेखा समिति का वो सीएजी की रिपोर्ट पर मतलब चर्चा करना, उस पर जांच करना, ठीक है, ध्यान रखेंगे इसे। आइए और देखते हैं चीज़ों को। सीएजी समिति को विभिन्न संबंधित कार्यों में सहयोग करता है, मतलब जो इससे संबंधित आपके विभिन्न कार्य हैं इसी रिपोर्ट से संबंधित जो विभिन्न कार्य उसको उसमें जो आपका सीएजी क्या करता है, सहयोग करता है समिति का। और यह समिति के समक्ष एक दार्शनिक मित्र तथा पथ प्रदर्शक के रूप में होता है, ठीक है, एक फ्रेंड के रूप में, एक फिलोसफर के रूप में, एक गाइडर के रूप में होता है ये। कुछ सीमाएं भी देखिए होती हैं इस समिति की, क्या सीमाएं होती हैं और उन मुद्दे पर इनकी आलोचनाएं भी की जाती हैं इस समिति की। दरअसल होता क्या है कि जो सीएजी अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करता है तो उसमें होता क्या है कि रिपोर्ट आती कब है, जब कार्य विभिन्न हो जाते हैं, जब से योजनाएं मान लीजिए कोई सरकार ने लेके आया तब योजनाओं के लिए जितना पैसा आवंटित किया गया तो पैसा आवंटित हो गया योजनाओं पर और योजना में पैसा लग गया, ठीक है। अब सीएजी उसका जांच करेगी, जब योजना कंप्लीट हो गई तो सीएजी उसमें जांच करेगी इतना पैसा आया, इतना काम हुआ, तो कहाँ पैसा कहीं ज़्यादा तो नहीं खा गए या फिर पैसा कम पड़ गया कुछ, मतलब जो भी बातें हैं उसमें देखा जाएगा कि अनियमितता तो नहीं हुई कहीं, पैसा ज़्यादा आ गया, काम कम किया, इस तरह की बातें तो नहीं, उस पर क्या होगा सीएजी अपना रिपोर्ट बना के दे देगा। उसके बाद फिर आपका ये पहुँचेगा आपके समिति के पास। जब ऐसा होगा तो आप देखिए समिति का क्या कार्य यहाँ पे बनेगा। फिर समिति का कार्य जो है लेखा के स्व परीक्षण जैसा हो जाता है। स्व परीक्षण मतलब आदमी मर गया तब उसका आप चेक कर रहे हैं कि कैसे इसकी मृत्यु हुई, ठीक है। तो वही बात है, अगर कोई कार्य किसी कार्य के लिए अगर धन आवंटित किया गया और सारा धन खर्च कर दिया गया, उसके बाद उस पर आप जांच करेंगे कि कैसे कैसे ये सब काम हो गया, कैसे धन ज़्यादा खर्च हो गया, सब धन खर्च हो गया, अब काम कुछ भी नहीं हुआ, ऐसा कैसे हो गया, ठीक है। अगर ये करते हैं हम ये कि जिस दौरान पैसा आवंटित किया गया उस दौरान ही खर्च को मतलब खर्च किया जा रहा है तो उस पर लगातार निगरानी बनाए रखें कि पैसा खर्च किया जा रहा है तो सही तरीके से खर्च हो रहा है या नहीं हो रहा है, जिस काम के लिए पैसा है उसी काम के लिए खर्च हो रहा है कि नहीं हो रहा है, काम प्रगति पर अच्छे से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, इस तरह की अगर चीज़ों को हम पहले से निगरानी में शुरुआत से पैसे आवंटित करने के बाद से ही अगर रखते हैं तो शायद ज़्यादा चीज़ें अच्छी हमारे सामने होती, मतलब रिजल्ट काफ़ी हमारे सामने अच्छा होता। लेकिन बस वही होता है कि पहले सब पूरा पैसा सब खर्च कर दिया गया, उसके बाद फिर इसका जाँच किया जाएगा। तो वही बात है, समिति का कार्य जैसे है वो कैसे लगेगा आपको, स्व परीक्षण के जैसा दिखाई देता है, क्योंकि यह तब जांच करती है जब खर्च हो चुका होता है। तो एक इस मुद्दे पर इसकी आलोचना भी की जाती है। और साथ ही साथ ये भी कहा जाता है कि इसकी अनुशंसाएं मंत्रालयों पर बाध्यकारी नहीं होती हैं, केवल परामर्श के रूप में होती हैं। ये भी एक इसकी देखिए मतलब आलोचना की बिंदु है, जिसके आधार पर कहा जाता है भाई बाध्यकारी तो हैं ही आपकी अनुशंसाएं, आप तो मतलब बस एक परामर्श के रूप में दीजिए, उसके बाद मानना या ना मानना उनका अधिकार है। यह दैनिक प्रशासन में कोई हस्तक्षेप नहीं करती, मतलब रोज़ अगर ये देखती कि हाँ जो पैसा इत्यादि दिया गया उसका सही तरीके से उपयोग इत्यादि हो रहा है या नहीं हो रहा है तो शायद ज़्यादा चीज़ें अच्छी होती, लेकिन ऐसा ये कुछ करती नहीं है। इस वजह से यहाँ पे इसकी आलोचना की जाती है कि दैनिक प्रशासन में कोई आपका हस्तक्षेप नहीं है, जब आपको सीएजी की रिपोर्ट मिलती तो उस पर फिर आप अपना मतलब जाँच इत्यादि करते हैं, ठीक है। तो ये वही बात होगी कि अब पछताए क्या फ़ायदा, जो चिड़िया चुग गई खेत, तो वही काम करती है आपकी लोकलेखा समिति। एक इम्पॉर्टेंट समिति है, इसके विभिन्न प्रावधानों को आप ध्यान से याद रखेंगे। तो इसके बाद जो हमारा अगला वीडियो होगा उसमें हम देखेंगे प्राकलन समितियाँ, सार्वजनिक उद्यम समितियाँ, जितनी समितियाँ अभी बची हुई हैं उसको हम अगले वीडियो में देख करके कंप्लीट कर लेंगे। तो आपका जो संसद है वो ऑफिशियली मतलब नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, एक बहुत बड़ा पोर्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा। चलिए फिर, ठीक है डियर फ्रेंड्स, यह था आपका आज का वीडियो। इसके बाद मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।